दोस्तों आज की कहानी है ननद जी। आपके आने से घर खर्च बढ़ जाता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दद्दा नहीं रहे फोन पर। भैया के ये शब्द सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया, पर तसल्ली थी बीना को कि जब माँ है तब तक मैं का रह रहकर आंखों के सामने आ जाता। माँ का कातर सहरा जो कभी दर्प से जगमगाता था उसकी जगह अब सुनी आंखें थी। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आती रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकाल कर अम्मा के सामने मायके चली आती। भाभी के व्यवहार में फर्क था तो दो दिन से अधिक न रुकती, पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता। ये बात उसके साथ छोटी बहन गुड्डी ने भी महसूस की थी। जब दोनों दादा को बीमारी के समय देखने आई थी, जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती दोनों को अपने पेट पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती। जब तक दादा थे अम्मा के सेटी मास से ही आने लगती कि बिटिया आ जाओ, और बिना गुड़ी उत्साह से भर जाती। बिना तो नौकरी करती थी बैंक में, सो उसे बस एक हफ्ते की छुट्टी मिलती, पर इतने में ही वह बहुत कुछ पाल लेती। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती और बेहद संपन्न था मायका, पर दद्दा के जाने के बाद हालात कुछ और ही हो गए थे। घर के संपन्नता वही थी, लेकिन अब भाभी और भाई के असली रंग खुलकर सामने आ रहे थे। अम्मा के पास यूं तो कोई न बैठता, पर जब भी बीना या गुड्डी या जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई ना कोई मौजूद जरूर रहता और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रुके व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों ननदे कोई डकैती डालने को आ गई हो, जबकि दोनों ही काफी संपन्न थी। भैया भी बस हाल साल पूछकर इतिश्री कर लेते, खाना पूछता तो मजबूरी था और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है, अम्मा ने बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन सलता है, पर सबको बनाना खिलाना इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। अगर फोन करती तो भी अम्मा बस ठीक हूँ इसके अतिरिक्त कुछ ना बोल पाती। आए दिन के भाभी भैया के दुर्व्यवहार के सलते गुड्डी ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह बहुत दूर से आती थी, पर बीना का शहर ज्यादा दूर न था। अक्सर अम्मा पल्लू में बंदा बेटियों का फोन नंबर कपड़े वह किसी न किसी से गुंजारिश करती और लोग बात करवा भी देते। बीना को अक्सर बेटी सस्सा और दामाद पंकज भी समझाते कि मम्मी आप बुजुर्ग हो और अकेले हर आठवें दिन जाना आपके लिए रिस्की है, फिर आप मामी जी का दुर्व्यवहार झेलने के लिए क्यों जाती हो। बिना किसी की न सुनती उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटी शायद जितनी बुढ़ी हो जाए पर माँ की ममता की सहा कभी कम नहीं होती। एक दिन चाचा जब अपनी नानी से बात कर रही थी तो भी अम्मा ने आदतन कहा कि बीना को भेज दो बिटिया। चाचा ने बड़े इत्मीनान से कहा कि नानी मम्मी अकेली हैं और बार बार उनका आना भी सही नहीं। तब अम्मा ने कहा कि तेरी माँ के लिए मैं भी अकेली ही हूँ। नानी की ऐसी बात सुनकर अब सच्चा भी अपनी माँ को न रोकती। कई महीनों बाद फिर अम्मा ने रट लगाई
तो बिना भी आ गई, पर अब की बार एक सुखद आश्रय था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने बिना से मन के बातें की, भाभी और भतीजे भतीजी भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन बिना ने अम्मा से गुड्डी की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलक के रोई कि आ जाया करो जल्दी, पता नहीं अब की बार मैं मिलूं या नहीं। जाने क्या था उस दिन उनकी आवाज में कि बिना का मन सहम गया। लगभग 20 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। बिना बद हवास दौड़कर मायके गई। कहने को तो बिना भी नानी बन चुकी थी, पर माँ की मोह में उनकी मर्त देह से घंटों लिपट के भी रोती रही। अम्मा अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर बिना को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी कि उन्हें रुके और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। तब जबकि अम्मा काफी आत्मनिर्भर थी, अम्मा की 13वीं के संस्कार के बाद बिना ने मायके का रुख भी न किया। गुड्डी का घर तो बरसों पहले ही सूट गया था। आज तकरीबन 3 वर्ष बाद भैया ने फोन किया कि बिना तुम तो हाल साल भी नहीं लेती, तुम्हारी भाभी भी बात करना सहा रही है। आज भाभी ने भी जरूरत से ज्यादा बात में सांस नहीं घोलते हुए कहा कि बेटी जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी और अब 3 साल हो गए, 13वीं के बाद देहरी पर पाव भी नहीं रखा। न साते हुए भी बिना के जख्म हरे होकर रिस पड़े कि भाभी आज भी आने याद है। हम दोनों बहनें पैसा के लिए नहीं माँ के लालच में आते थे, क्योंकि हम दोनों बहनों को काफी छोटी उम्र में ही ब्याह दिया गया था। बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी बड़ी नहीं होती। बस एक सब्र है कि भले बेशर्मी देकर आती रही, पर अम्मा के मन की सुन ली और अपनी कह ली। उनके न रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता, अब किसके लिए आऊं और क्यों। जब तक अम्मा थी तब तक बात और ही। बस करो बेटी, हमें अपनी गलती का एहसास है, बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आज जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर बिना मायके गई तो भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी न कर पाती। सलते वक्त भाभी ने बिना को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां देकर कहा। बिना ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इन बेजान चीजों का नहीं। भाभी आंसू पोंछ कर रुंधे गले से बोली कि आती रहना बेटी बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये समझ आ गई कि इन बेजान चीजों की सहा में इतना आगे बढ़ गई हम कि रिश्तों की जान ही सीन ली। बिना ने भाभी के आंसू पोंछ कर कहा कि भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो बदल नहीं सकता, पर अफसोस इसी बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिनको कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मायके आती हैं, बस पछतावा यही रह जाता है। काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी बिना ने पलट कर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों
शब्द मन भर गया था, जैसे अम्मा के समा मायका सूट ते लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि बेटी आती रहना। हाँ भैया जरूर आऊंगी, वर्षों बाद मेरा मायका फिर लौटा दिया है आपने। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।